all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. Tera vaada agar wafa hoga. Allah na kare tumko bhi aisi musibat mein phansu. Main hoon yahan. Tumhari aap hi hai. Har mushkil ke aage dhaal banne ke liye. Tum fikr nahi karo. Samji. Ammi. फरा आप जॉब पे नहीं जाएगी। मुझे स्ट्रेस की हालत में तुम दोनों अकेला छोड़ के चले गए। कितना डर गई थी मैं, अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा आपको अपनी हरकतों का नहीं है सहन, और ना आप यहाँ मेरे सामने खड़े होकर ये सवालात ना करती। और रही बात अकेलेपन और स्ट्रेस की, तो ये सब आपकी अपनी वजह से, इसकी जिम्मेदार मैं और मारिया नहीं है। अम्मी प्लीज ऐसे नहीं करें, फिर वो अली को बता देंगे और फिर फजूल में छोटी सी बात का इशू बनेगा। थोड़ी सी देर के लिए आ जाएं, प्लीज, थोड़ी सी देर की तो बात है। ठीक है, आ जाऊं। तेरा वादा अगर वफा होगा। तो कैसी चल रही है जॉब? बस चल रही है। बस चल रही है क्या मतलब? सेटिस्फाई नहीं हो तुम? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी जॉब करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जिस तरह मैं अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करना चाहता हूँ, वो एक मामूली सी नौकरी से कैसे होगा। तो इसलिए बस। फॉर गॉड सेक, अब प्लीज खुद को दोबारा किसी गलत काम में एंगेज मत कर लेना। अरे किस तरह की बातें कर रही हो, इतना अंदाजा मुझे भी हो चुका है। मैं सोच रहा था कि अब भी कारोबार करता हूँ। अरे मैं भी किस तरह की बातें लेकर बैठ गया। अच्छा एक बात करनी थी तुमसे। क्या तुम मुझ जैसे एक स्ट्रगलिंग इंसान से शादी करोगी? व्हाट? प्रपोज करने का ये कौन सा अंदाज है? अनरोमांटिक। रोमांटिक आइजा, विल यू मैरी मी? पर बैठो, सब देख रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ 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 यस। आप ऊपर बैठो, जल्दी बैठो, ऊपर बैठो। चाय? बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वही गाड़ी चाहिए। हाँ अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम जा रही हो? बेटियाँ तो मैके में मेहमान होती हैं ना, जाना तो पड़ेगा। बात तो ठीक है, वैसे ही बात सुनो, तुम्हें ना अपने ससुराल का ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर ये पट्टी असर नहीं करने वाली। अच्छा सुनो, एक दिन और रुक जाओ यहाँ प्लीज। क्यों भाई, मेरा भी ससुराल है बहन, मुझे भी घर बार देखना होता है। जानती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही दिन रुकने को कह रही हूँ। एक्चुअली कल अम्मी ने हमारे घर आना है, मैं नहीं चाहती कि फरा घर पे अकेले। अच्छा अच्छा ठीक है, रुक जाऊंगी, क्या याद करूंगी। अच्छा खैर सब छोड़ो, ये देखो कैसी है। अच्छी तो है, लेकिन अभी तो बिलाल ने नई गाड़ी ली है। तो क्या हुआ, वो बेच देंगे और ये वाली लेंगे, है ना? तुम्हारे शोहर की टक्कर की गाड़ी। ये टक्कर कहाँ से आ गई? इंसान के पास जो हो ना, उसको सबर शुक्र के साथ खुश रहना। सारा तुम ये लेक्चर देना मत शुरू कर देना यार, और जहाँ तक शुक्र की बात है ना, तो वो मैं कर लेती। बस मेरा ये मानना है कि इंसान के पास जब हो ना, तो लाइफस्टाइल फौरन चेंज कर लेना चाहिए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पता है मुझे। चलो ओके, मैं जा रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। बिलहाल बस ये गाड़ी ले लो तुम एक दफा। अरे सारा, क्या हुआ, कैसी तबीयत है फरा की?
काफी बेहतर है। चलो शुक्र है। वैसे मैंने तो अम्मी से कहा था कि इस वक्त तुम्हें वहां से ना बुलाएं, लेकिन तुम तो जानती हो ना अम्मी की आदत को। वो गलत नहीं कह रही है, ससुराल और मैके को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप कैसी हैं? आई एम सॉरी, मुझे आपकी खैरियत पूछने का ध्यान नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ है नगीन को? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम दोनों से, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं अम्मी, बस वो तो ऐसे ही तो तबीयत नहीं पूछी जाती ना। कोई बीमारी, कोई परेशानी होती है तो सवाल किया जाता है। तुम बताओ सारा। आंटी मैं तो ऐसे ही खैरियत पूछ रही थी। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और नगीन तुम भी मुझे कुछ उलझी उलझी सी परेशान सी लग रही हो। पूछ रही हो तुमसे तो यही जवाब दे रही हो कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतना तो अंदाजा है मुझे कि कोई ना कोई बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है। नहीं अम्मी, कोई परेशानी होगी तो मैं आपसे शेयर क्यों नहीं करूंगी? इसका क्या जवाब तो तुम ही दे सकती हो नगीन मुझे। हाँ इतना तो मैं जानती हूँ कि जब से तुम डॉक्टर के पास से आई हो परेशान सी ही हो। हाँ अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो फिर और बात है। सारा क्या जरूरत थी मुझसे ये सवाल पूछने की? अम्मी अब मेरी तरफ से खटक गई हैं। आई एम सॉरी भाभी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आंटी इस तरह अचानक आ जाए। सारा प्लीज, ये मेरी गरस्ती का सवाल है, आइंदा तुम मुझसे ये सवाल नहीं करोगी, समझ आई है? जी। इसे तो यहां से भेजना ही पड़ेगा, वरना अपनी बेवकूफी की वजह से ये मुझे बेघर कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। तौबा है अली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। हालांकि तुमने वापस आके मुझे खुश कर दिया। पता है तुम नहीं थी ना तो ये कमरा कमरा नहीं बल्कि कैद खाना लगता था, जहां वक्त ही नहीं कटता था। तुमने वापस आकर ना सिर्फ इस कमरे को बल्कि मुझे भी मुकम्मल कर दिया। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? सब कुछ तो आपने कह दिया, मैं क्या कहूं? ऐसे बहुत ही अनरोमांटिक हो तुम। अच्छा सुनो, वो परसों फहमीदा आंटी को बुलाया माँ ने, माँ कह रही थी कि एक महीने बाद की डेट डिसाइड कर लेंगे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। और प्लीज हानिया की शॉपिंग में उसकी मदद करनी है तुमने। आप लेट हैं क्योंकि हानिया ऑलरेडी मुझसे फरमाइश कर चुकी है। क्या हुआ, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, हानिया को लेकर बस थोड़ा सा उलझा हुआ था कि कहीं वो अपनी स्टडीज छोड़ने पर अपसेट ना हो जाए, लेकिन थैंक गॉड वो खुश है। निकाह के बोल में अल्लाह ताला ने तासीर ऐसी रखी होती है कि जब नाम साथ जुड़ जाते हैं ना तो ख्वाहिशें भी एक हो जाती हैं। ठीक कह रही हो, खुशी इस बात की हो रही है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि कल आंटी आ रही है ना? हानिया की शादी से पहले हमारी आपस की जो शिकायत है वो दूर हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सारा कल किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अली क्या हो गया, मेरी भी अम्मी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि खातिर तवाज़ों में कोई कमी ना हो। गुड, चलो मैं चेंज कर लूं। आज हमारी फोर ब्राइड्स की अपॉइंटमेंट है, राइट? वन मेहंदी एंड एवरीथिंग एल्स इज बरात एंड वलीमा, तो आप उस हिसाब से बैलेंस निकाल लो और पहले स्टेशन को अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर लीजिए।
आप भी देखो कौन सा स्टॉक चाहिए, वापस यहाँ पे रीस्टॉकिंग करें। हेलो, तुम अब भी अपसेट लग रही हो मुझे। फिलहाल बहुत बदल गया शहीद, उसे लगता है कि मैं उसकी खुशियों को बर्बाद करना चाहती हूँ। सैम प्लीज, रोने से कभी कोई मसला हल हुआ है? असल में तब हल होते हैं जब उसे कोई हल करने की नीयत, मारी ऐसा चाहती ही नहीं है। शहीर, सारा तुम्हारी ऐसे बहुत अलग है। कहने को दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन सारा ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि वो अपने घर के लिए और अपने शोहर पर ओनरशिप के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगी। मगर मारिया बिलाल को लेकर अलग हो जाना चाहती है। मुझे तो हैरत होती है उसकी चलाकियों पर, कैसे मुझे मेरे भाई के सामने झूठा बना देती, और मेरा भाई जो मुझे अच्छी तरह जानता है वो भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। अपने ही घर में अपना वजूद अजनबी लगने लगा है मुझे, वो ऐसे मुझे आते जाते अनदेखा करते हैं जैसे मेरे होने न होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मारिया ने उसके दिल में ये बात बिठा दी कि मैं उनकी औलाद थी, उनकी खुशियों के पीछे पड़े। बताओ सही, क्या मैं ऐसी हूँ? सैम प्लीज बी ब्रेव, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे अंदाज से तो ऐसा लग रहा है कि तुम हार मान चुकी हो। जब अपना फोन अपना भाई भरोसा ना करे तो तुम्हें चाहिए छोड़ दो उसे उसके हाल पर। अपने आप को हर्ट करने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बिलाल बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और तुम देखना जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो अपने किए पर शर्मिंदा होगा। अब प्लीज प्लीज रोना तो बंद करो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, तुम फिक्र ना करो, बस प्लीज। निगत, मैंने ना अपनी बेटी की रुखसती का इरादा कर लिया है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, वैसे अभी तक कार्ड्स प्रिंट होकर आए नहीं है, सबसे पहले दावत मैं आपको दे रही हूँ। अरे शाजी, आप खत्म भी करें इस बात को। तो खत्म ही तो किया है, इसलिए तो बुला रही हूँ आपको, ताकि साफ दिल से रिश्तेदारी निभाए। वैसे जब से सारा ने जॉब छोड़ी है ना, घर में सुकून सा हो गया है। दोनों बव्वें मिलके इतनी अच्छी तरह से घर संभाल रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आपको ये सुकून तो महसूस नहीं हुआ होगा ना? माँ, ये सब बातें करने का वक्त तो नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे आपकी तो दोनों बेटियां जॉब करती हैं ना निगत, तो घर के सारे काम तो आपको ही करने पड़ते होंगे, है ना? जाहिर है,
हमारे घर में नौकर चाकर तो है नहीं, इसलिए काम खुद ही करना पड़ता है। जैसे नौकर हो या ना हो, लेकिन बेटियों के होने से घर में सहूलत तो होती है ना। तारा, तुम मेरे कमरे में जाओ और साइट की दराज में एक एनवलप रखा है वो लेकर आओ। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही है, अभी तो ठीक से खाना भी नहीं खाया आपने। जितना खाना था हमने खा लिया। आपने हमें बुलाया, हमारी इतनी खातिर की, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए। ये क्या? असारा तो अब जॉब करेगी नहीं ना, मैंने मना कर दिया इसे। लेकिन मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आपका घर इसकी जॉब से ही चल रहा था ना। असारा से पूछ के इसकी रजामंदी से मैं आपको ये दे रही हूँ। मेरा ख्याल है कि महीने का खर्च या काफी होगा आपको। माँ, ये सब क्या है? मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मदद कर रही हूँ। जैसे खानदान में जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करती हूँ। वैसे आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हर महीने खर्चा मिल जाया करेगा। मेरी माँ बेआसरा बेसहारा नहीं है जिसे ज़कात या खैरात के पैसे दिए जाएं। उनकी औलाद जिंदा है उनकी देखरेख करने के लिए। माना हम आपके स्टेटस के नहीं हैं आंटी, लेकिन क्या इज्जत पैसे और स्टेटस से ही मिलती है? अली, समझाओ अपनी बीवी को। माँ से बात करने की कुछ तमीज सिखाओ इसे। समझाने की सारा को नहीं भाई, समझाने की जरूरत माँ को है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन माँ को यूं घर बुलाए मेहमानों की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैंने जो कुछ भी किया है ना, मैंने इस घर के सुकून की खातिर किया, समझ गए? गलत किया आपने, बिल्कुल गलत किया। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। अली, आवाज ऊंची करके मैं भी बात कर सकता हूँ भाई, अगर मेरा लहजा नीचा है तो इसको मेरी कमजोरी ना समझे। माँ ने गलत किया है तो किया है। अली, तुम सारा की वजह से माँ को गलत कह रहे हो। हाँ गलत कह रहा हूँ भाई, जो कुछ आज तक नहीं कहा था आज कह रहा हूँ, क्योंकि बचपन से लेके आज तक माँ ने ही हमें सच और झूठ के दरमियान फर्क बताया, सही और गलत की तमीज बताई थी, तो आज ये खुद कैसे बोल सकती है। मैंने क्या गलत किया? गलत किया हानिया के निकाह पर इन सबको ना इन्वाइट करके, गलत किया आज अपने घर बुलाकर मेहमान बनाकर जलील किया, गलत किया आपने। क्या गलत किया मैंने? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू जॉब करे। अपनी बात को मनवाने का एक तरीका होता है माँ, मैंने आप लोगों से खुद कहा था, मैंने कमिटमेंट की है सारा से और उसकी फैमिली से कि जब तक शायान सेटल नहीं हो जाता, उसकी जॉब नहीं लग जाती, तब तक सारा जॉब करेगी। लेकिन किसी की मजबूरी में उसका मजाक उड़ाना, उसको यूं जलील करने की भी कोई हद होती है माँ? अली, बिहेव योरसेल्फ, मत भूलो कि तुम माँ से बात कर रहे हो। मैं नहीं भूल रहा हूँ भाई, मैं माँ की तरबियत को भी नहीं भूला, लेकिन माँ को कोई हक नहीं पहुंचता है कि मेरी बीवी और उसकी माँ को यूं घर बुलाकर जलील करें, उनकी बेइज्जती करें। बहुत दुख हो रहा है तुम्हें अपने ससुराल वालों का, उनकी खातिर तुम अपनी माँ के सामने आकर खड़े हो गया। मैं आज अगर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तो आपकी ना इंसाफियों की वजह से खड़ा हुआ हूँ माँ, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारा ने सिर्फ मेरे कहने पर अपने आप को बदला, अपने आप को इस घर के माहौल में ढाला। क्या आपको लगता है मुझे नजर नहीं आ रहा सारा कितनी कोशिश कर रही है आप सबका दिल जीतने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ना सारा को कबूल किया और ना ही उसके घर वालों को।
अरे आप लोग तो अरे! खबरदार जो एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस ससुराल वालों की वजह से इतने अंधे हो गया तुम कि अपनी माँ का लिहाज तक करना भूल गए। अगर तुम्हें अपनी बीवी का और अपने ससुराल वालों का इतना ही ख्याल है तो अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि इस घर में मैं किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त है और ना ही किसी गैर की बेजा हिमायत। हटो मेरे सामने से। तुम जाओ अली के पास, हम भी निकलते हैं। जाओ बेटा जाओ, जाओ अली के। चलो शायद बचपन से लेके आज तक माँ की हर बात मानी है मैं, अब हुक्म अदूली कैसे कर सकता। मुझे भी ये गुमान था कि तुम मेरे फरमाबरदार बेटे हो, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि बहू के आते ही तुम अपनी फरमाबरदारी को भी रुखसत कर दोगे। और अब मुझे यही फिक्र लगी कि कहीं जज्बाती पन में आके अली कोई गलत कदम ना उठा ले, वरना जिस गुर्बत से बचने के लिए रेहान से। रेहान से क्या? तेरा वादा अगर वफा अली, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो माँ ने कहा है। उन्होंने गुस्से में कह दिया और आप? गुस्से में इंसान के मुंह से सच निकलता है सारा। वो किसी की इज्जत करना नहीं जानती, किसी की भी नहीं। पहले उन्होंने तुम्हारी और आंटी की बेइज्जती की और उसके बाद सबके बीच में मेरे ऊपर थप्पड़ मार। ठीक है माँ है वो मेरी, मार सकती है मुझे, लेकिन उन्हें घर से जाने का नहीं कहना चाहिए था मुझे। अली इस वक्त वो गुस्से में है, जब उनका गुस्सा उतरेगा तो तब तक मैं यहाँ से चला गया हूँ। नहीं रहना मुझे यहाँ पर और तुम भी नहीं रहोगी, अपना सामान पैक करो बस। अली प्लीज, अगर उन्होंने गलती की है तो आप घर छोड़कर उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो माँ है आपकी और माँ कभी भी औलाद को अपने से दूर नहीं करना चाहती। वो कितना प्यार करती हैं आपसे, आप जानते भी हैं। जब आप उनसे दूर चले जाएंगे तो वो कितना हर्ट होंगी। और मैं सारा, मैं कितना हर्ट हुआ इस बारे में सोचा है तुमने? खुद को संभाले, आप क्यों इतना जज्बाती हो रहे हैं अली? ऐसे भी कोई कहता है? अम्मी प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए। माँ गुस्सा करने से सिवाय आपकी तबीयत खराब होने की और कुछ नहीं होगा। शहीद बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ठीक किया जो अली को। देखा तुम लोगों ने, कल की आई लड़की और उसके माँ के लिए कैसे बोल रहा था वो। पूरे खानदान में आज तक मेरे सामने किसी ने मुंह तक नहीं खोला और यहां मेरे घर में मेरे ही सामने उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। आज इतनी बदतमीजी अली मेरे साथ करेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अली नहीं अम्मी, ये सारा की पढ़ाई हुई पट्टी की वजह से हुआ है। वो ही अली के कान भरती होगी आपके खिलाफ, पनप अली इस तरह से आपसे बदतमीजी नहीं करता। लेकिन ठीक कह रही हो माँ, सारा जिस क्लास से आई है वहाँ की लड़कियाँ बहुत शार्प होती हैं। स्लो पॉइजन देकर आपको ब्रेन वॉश करती हैं, आपको अपनी फैमिली गलत लगने लगती है। शहीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
इस क्लास की लड़कियों की तो कोशिश होती है कि अपने शौहर को लेके फौरन ससुराल से अलग हो जाए। लेकिन माँ, आपको अली को घर से जाने का नहीं कहना चाहिए था। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मुंह से निकल गया। लेकिन अली को भी तो सोचना चाहिए था ना कि वो कैसे बदजबानी कर रहा था मेरे साथ। गुस्सा आपको भी था और अली को भी, लेकिन इस सब का फायदा शायद सारा को पहुंचेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनीवे, मैं अली से बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। लाओ पानी दो, ये लें पानी पी। और पी लें। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इतनी रात को कौन सी मीटिंग चल रही है? जब से आई है नोट कर रही हूँ, परेशान है। हालात कुछ मुनासिब नहीं लग रहे। कैसे हालात, क्या बात कर रही है? भाई मैं अली की बात कर, उससे मैं आकर उसने काफी कुछ बोल तो दिया, मगर मुझे डर है कि कहीं अपने जज्बाती पर में वो घर ही ना छोड़ दे। है, कैसा गुस्सा! और ये अली भाई अपना घर क्यों छोड़ने लगे भला? अब मैं सोने जा रहा हूँ, आप इसको कहानी सुने, आओ बैठ जाओ। अरे अम्मी, क्या था? जस उसे बता भी दे, मेरी जान लेंगी क्या? क्या हुआ है? अरे भाई, वो शाजिया है ना, उसका दिमाग खराब। अपनी दौलत के नशे में वो मुझे खराब बांटने चली थी, मगर अली ने भी उसे वो सुनाई है ना कि मेरा दिल खुश हो गया, पूरा सोच समेत बदला ले लिया अली। मगर ये शाजिया बड़ी शातिर औरत है, तड़ से अली के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उससे कहती है कि घर से निकल जा। या अल्लाह, हाथ ही जोड़ दिया वो भी सबके सामने। हाँ, और अब मुझे यही फिक्र लगी कि कहीं जज्बाती पन में आके अली कोई गलत कदम ना उठा ले, वरना जिस गुर्बत से बचने के लिए रेहान से क्या? कुछ नहीं भाई, तुम तो बाल की खाल उतारने बैठ जाती हो, जाओ जाकर आराम करो, वैसे ही देर हो गई। पर सोच लें अली। सोचने के लिए एक रात काफी थी, अगर तब मेरा इरादा नहीं बदला तो अब भी नहीं बदलेगा। तुम बता, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम यहां रोकना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। अली, जज्बातीपन में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हाँ, मैं हो रहा हूं जज्बाती, कर रहा हूं जज्बाती फैसले, क्योंकि बेहिस नहीं हूं। एक दिल है मेरे पास जो अपनों की दी हुई चोट पर दुखता। भाई, क्या आप सच में घर छोड़ के जाने का सोच भी सकते हैं? और चॉइस भी तो नहीं है मेरे पास। भाई, मैंने जो भी कहा गुस्से में कहा था। यही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझा कर देख लिया ना तुमने, नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी बात। अब तुम्हें फैसला करना, तुम यहीं रुकना चाहती हो या मेरे साथ छोड़ोगी। ये क्या बचपन है अली? बचपन से लेके आज तक माँ की हर बात मानी है मैं, अब मदूली कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी ये गुमान था कि तुम मेरे फर्माबरदार बेटे हो, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि बहू के आते ही तुम अपनी फर्माबरदारी को भी रुखसत कर दोगे। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना?
अपने इरादे में कामयाब होकर? सारा से क्यों कह रही हैं साहब? मुझसे बात कीजिए ना। मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रहा हूं, इसमें सारा का कोई कसूर नहीं। अली तुम अपनी बीवी को डिफेंड करना छोड़ दो, क्योंकि ये जिस क्लास से भाई प्लीज हटो। क्या अब मैं आपको अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहने की इजाजत दूंगा? और आप लोगों को बहुत घमंड है ना अपने खानदानी होने का? मैं ऐसे खानदानी होने को नहीं मानता। खानदानी वो लोग होते हैं जो दूसरों की वैल्यूज और उनकी फीलिंग्स की कदर करते हैं। सिड़की की वजह से तुम अपने खानदान और खानदानी होने पर गिला कर रहे हो? गिला वही किया जाता है जहां अपनाइयत होती है। मां लेकिन आप लोग ये बात कहां समझेंगे? इसलिए आप लोगों से बहस करना बेकार है। ध्यान रखिएगा, जहां भी जाओगे वापस लौटकर यहीं आओगे, क्योंकि हमारे बगैर तुम सिर्फ जीरो हो। चलो सर। बेटे को अलग कर दिया मुझे, अलग कर दिया मुझे। हाय प्लीज मत जाए। अगर तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में से और अपनों में से किसी एक को चुनना हो, अब तुम किसे चुनोगी? हानिया, इंसान अपनी जिंदगी में प्यार के साथ साथ इज्जत भी कमाता है। अच्छा तो यहां पर वो भी नहीं मिल रहा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम ये घर छोड़कर जरूर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहूंगा। तो ख्याल रखो, खुश रहो। चलो सर। सुबह सुबह कैसे फोन कर रही? सारा से कुछ खैर खबर तो लो। अगर कॉल रिसीव नहीं कर रही है तो यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ होगी, वरना वो तो फौरन उठा लेती। अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप क्या सोचने लग गई? मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मैंने सारा की अली से शादी करवा के कोई गलती तो नहीं की ना। क्या हो गया है अम्मी, इतना क्यों जज्बाती हो रही हैं? अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो मसले वाली बात नहीं है, माफी तलाफी करके अली भाई घर वापस आ ही जाएंगे। और अगर वापसी नहीं हुई तो मान लो कि शहीर ने उसको सबक सिखाने के लिए उस पर और सख्ती की फिर, या फिर अपने ही जज्बातीपन और नाराजगी में अली वापस नहीं आया तो हो गई ना परेशान सारा। अब ऐसे में वो अपने शौहर को संभाले या मैके को?
मुझे लगा आप सारा के लिए परेशान हैं, लेकिन आपको तो अपनी परेशानी खाई जा रही है। मुझे अपनी परेशानी नहीं होती है, सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र लगी है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो नसीब में लिखा है ना वही होगा। आप खुद देखें ना, सारा की शादी अली भाई से इसलिए करवाई थी ना कि अमीर है, पास पैसा है। क्या हुआ आप खुद सोचें, अब अगर अली भाई ने घर छोड़ दिया और पैसे को लात मार के चले गए तो क्या होगा? और अगर ऐसा हो गया ना हमें, तो एक बात समझ लीजिएगा, सारा के नसीब में गरीब इंसान ही था। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप अभी तक क्या इस तरह? जब उंगली पकड़ के चलने वाली औलाद हाथ छुड़ाकर चली जाए तो माँ का दिल चाहता है जीने का, लेकिन क्या करूं, जब तक सांसें बाकी हैं जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। नीब, अली अपना खून है, वो कहीं नहीं जाता। हाँ, लेकिन सारा ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, जिस तरह सारा ने अली से हमको दूर किया है ना, इसी तरह हम सारा को अली से दूर कर देंगे। लेकिन जब तक अली उस लड़की के साथ रहेगा, वो हमारी तरफ से उसका दिल बुरा करती रहेगी, क्योंकि अली की तो अकल पर पर्दे पड़ चुके हैं ना। पर्दे ही तो हटाने हैं अम्मी, थोड़ा वक्त लगेगा अली के सामने सारा की असलियत खोलने में। कोई कमी, कोई तो कमजोरी होगी ना, बस हमें वही तलाश करनी है, या फिर नादानी में वो कोई गलत कदम उठा ले उसका फायदा उठाना होगा। ये सब बात की बातें, तुम ऐसा करो, फहमीदा के आने की फिक्र करो। और सुनो, फहमीदा को ना इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तुम खाने का इंतजाम देख लो। सुनो, हानिया को मेरे पास भेजो, मैं उसे समझाऊं कि हमजा के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करते। जी ठीक है। मिला हुआ होगा हम नवाजा।
Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.